आज से 8 साल पहले ऑन जनवरी 8, 2014 हमें एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था आफत, और इस ट्रैक ने हमें इंडिया की एक अपकमिंग हिप हॉप स्टार से मिलवाया था, एंड ही वाज नन अदर देन नेजी। पैदा हुआ पला बड़ा हटेली इलाके में, यहाँ सबको करनी थी पटेली हर नाके पे, सबसे हटकर सबसे कट्टर। और सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस गाने का ऑडियो और वीडियो सिर्फ एक आईपैड पे रिकॉर्ड हुआ था। देखो भाई लोग, ये अपना होम स्टूडियो है और यहाँ पर रखा हुआ आईपैड, अपने को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े में अपना सारा काम हो जाता है। कि मैंने एक बीट डाउनलोड किया, लूप, उसको लूपिंग पे लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी की रीत लिखा और वीडियो उसका आईपैड से बनाया, उसको अपलोड किया इंटरनेट पे, तो 1,00,000 व्यूज उसके फटफट एक साल के अंदर अंदर हो गए। एंड दिस वाज जस्ट ए बिगनिंग। नेजी के टैलेंट को देख के ऐसा लग रहा था इन फ्यूचर फॉर श्योर ही विल बिकम अ बिग रैप स्टार। ऑन जनवरी 15, 2015 हमें नेजी का फीचर एक बॉलीवुड ट्रैक में देखने को मिला जिसका नाम था बिरजू, जो कि गाया था उदित नारायण और मिका सिंह ने। नहीं चढ़ा तो मैंने यूं जलजला ले आना है, चल जरा तू बॉम्बे 70 बल वाला दिखलाना है वहां पब्लिक के बत्तर। ऑन अप्रैल 16, 2015 हमें एक और लेजेंडरी ट्रैक नेजी के साइड से देखने को मिला विच वॉज अ गेम चेंजर फॉर देसी हिप हॉप, और इस ट्रैक का नाम था मेरी गली में। देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे, लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार, दे पुकार कभी भी। सो थिंग्स वेयर गोइंग रियली स्मूथ फॉर नेजी। नेजी अपने चैनल पे अच्छे गाने ड्रॉप कर रहे थे, उन्हें बड़े कोलैबोरेशन का मौका मिल रहा था, एंड इवन ही वाज गेटिंग गुड ब्रांड डील्स। बट सैडली धीरे धीरे चीजें नेजी के लिए बदलने लगी। एक तरफ नेजी के कंपटीटर जिन्होंने नेजी के साथ रैप करना स्टार्ट किया था वो नेजी से बहुत आगे निकल गए, उन्होंने इवॉल्व किया, दे स्टार्टेड गेटिंग गुड नंबर। ऑन द अदर हैंड हमें नेजी के करियर में डाउनफॉल देखने को मिला। नेजी के गाने ड्रॉप करने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई और वो सीन से लगभग गायब ही हो गए। सो नेजी ने 2022 में फिर से कमबैक किया है और आज से कुछ दिन पहले ही ड्रॉप्ड ईपी बाई नेम तरकीब, और इस ईपी के ड्रॉप होने के बाद नेजी ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में कुछ रिवील किया विच वॉज रियली शॉकिंग। बहुत मुश्किल से बना ये ईपी, मेरे को अपनी बाइक बेचनी पड़ी, बाइक बेचा, घर वालों से आड़ी किया, मोहल्ले वालों से आड़ी किया, रमजान के महीने में काम किया, मेहनत किया, बहुत मुश्किल से ये ईपी बनाए, और जितनी मेहनत मैंने इस पे लगाया वो उसका फल मुझे तभी मिलेगा जब ये ईपी सबके दिलों तक पहुंचेगा, सबके दिमाग में उतरेगा, सब इस पे अमल करेंगे। ओके, सो एक ऐसा रैपर जो एक टाइम पे अपने करियर के पीक में था, डीएचएच के टॉप रैपर्स में उसका नाम काउंट किया जाता था, और आज अपनी ईपी बनाने के लिए उसे अपनी बाइक बेचनी पड़ रही है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद नेजी एंड वेयर ही वेंट रॉन्ग, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ नेजी ने जो ईपी ड्रॉप की है तरकीब, हम उसे भी रिव्यू करेंगे और हम ये देखेंगे क्या ये ईपी अच्छी है, एवरेज है या फिर बुरी है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 2014-15-16 की नेजी से 2021-22 वाले नेजी को, नेजी की पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आई है, नेजी की म्यूजिक में क्या चेंजेस आई है। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर, तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मैं उठा बस पर मेरी मंजिल वो नहीं, मेरी मंजिल वही पर मैं उसका वो नहीं, थोड़ी थोड़ी बात तेरे साथ साथ मैं हूँ उसकी बातों में और मेरी बातों में वो खो रही, मैंने कहा कुछ कहना चाहता दिल मेरा, बोली बोलू के सुन रहा दिल मेरा, मैंने कहा। गाने का नाम है साइड वाली सीट पे, आर्टिस्ट है हैरी, और मैंने इसके पहले भी भाई का एक गाना फीचर किया था जिसमें तुम लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था। एंड अगेन भाई जो है वो अपने गाने फोन पे रिकॉर्ड करते हैं और फोन पे ही मिक्स मास्टर करते हैं, और तुम लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो भी आर्टिस्ट फोन पे गाना रिकॉर्ड करता है उसकी स्ट्रगल क्या होती है। सो फोन पे रिकॉर्ड और मिक्स मास्टर करने के बाद भी मुझे इस गाने का क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, गाने की लिरिक्स अच्छी है, गाने की वाइब बहुत अच्छी है, तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। सो ऐसे आर्टिस्ट बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, आज भाई फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है कल स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करे, तो वो तभी हो पाएगा जब तुम जाके भाई को सपोर्ट करोगे। सो जाओ भाई का गाना चेक करो और भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। ओके, लेट्स नाउ कम
back to the video. So Nazy was really different artist back in 2014, 15 and 16. Par agar hum abhi ki baat kare, currently he is also good, par pehle Nazy ka flow kuch different leak ka hi hua karta tha. So ye samajhne ke liye ki through the time Nazy ke flow mein kya difference aaya hai, hume pehle ke Nazy aur ab ke Nazy ko compare karna hoga. So let's check the flow of old Nazy. काबिल वो इंसान है जो बातिल को टुकरा दे चुल्ले कश्ती वो जो साहिल तक पहुंचा दे शक्ति वो जो जाहिल शख्स को डांटे चाटे जड़ एंड लेट्स नाउ चेक हिज रीसेंट फ्लोज बहुत सा उधार में मैं चल चुका फर्श टुकड़े थे कांच के मैं झेल चुका सर सो देयर इज अ डिफरेंस पहले जो Nazy का फ्लो था वो थोड़ा स्मूथ था Nazy के जो वर्ड्स थे वो ज्यादा क्लियर थे और मैंने सिर्फ Nazy की फ्लो में डिफरेंस नोटिस नहीं किया है Nazy के बात करने के तरीके में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है सो लेट्स चेक अ इंटरव्यू ऑफ Nazy फ्रॉम ईयर 2016 मैं भी बहुत कुछ ऐसा करने लगा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था फिर तो क्या किया आपने एक बोलिए जो नहीं करना चाहिए था बहुत सारी चीजें थी जैसे कि चोरी वगैरह और छेड़ना छाड़ना लोगों को सताना और जिसे बहुत मजा आता था उस वक्त बचपने में तो मतलब वो शरारत जैसी थी लेकिन बचपने में अभी कितनी उम्र है और अब हम चेक करते हैं Nazy के 2021 का इंटरव्यू जो हमें निलेश मिश्रा के साथ देखने को मिला था मोहम्मद मेरा पहला नाम है अच्छा मोहम्मद नावेद हाँ मोहम्मद नावेद जी वो प्रोफेसी के जैसा लगता है मेरे को खुशी का पैगाम पहुंचाते जाओ दुनिया में मैंने रैप करना शुरू किया आफत करके मेरा पहला एक गाना है अच्छा वो उस गाने को मैंने खुद से पूरा क्रिएट किया था उसकी लिरिक्स से लेकर कंपोजिंग और जितना भी उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी सो अगर तुम इन दोनों इंटरव्यू को ध्यान से सुनोगे मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस Nazy की बात करने के तरीके में नजर आएगा सो नाउ द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली क्या रीजन है हमें Nazy के बात करने के तरीके में और Nazy के म्यूजिक में इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है एंड द आंसर इज नॉट दैट सिंपल सो देयर इज अ कंस्पिरेसी कि Nazy की ये जो हालत है वो ड्रग्स की वजह से हुई है पर जब मैंने Nazy के ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि सिर्फ ड्रग्स नहीं है जिसकी वजह से हमें Nazy के पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है August 15, 2015 हमें Nazy की एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली थी और उसमें Nazy ने कुछ ऐसा बोला था मेरी अम्मी को ऐसा लगता है कि भाई लड़का सुधर रहा है लेकिन फिर मेरी अम्मी मुझे मना भी करती है कि मत करा कर ये सब इस्लाम में ये अलाउड नहीं है और हराम चीज है सो इस्लाम में रैप और म्यूजिक प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं होता है एंड सेम थिंग हैपेंड विद Nazy एज वेल और जब मैं Nazy का निलेश मिश्रा के साथ इंटरव्यू देख रहा था लाइक वो लंबी इंटरव्यू है एक घंटे के इंटरव्यू है तो उसमें मुझे एक चीज रियलाइज हुआ Nazy के बात करने के तरीके से दैट ही इज गोइंग अ लॉट थ्रू इन हिज लाइफ और जो भी आर्टिस्ट रैपर या फिर सेलिब्रिटी होता है उसे भी हम कॉमन लोगों के जैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो चीजें हमें इंस्टाग्राम या फिर कैमरा में देखने को नहीं मिलती है सो इन ब्रीफ मैं ये बोलना चाहता हूं कि हो सकता है कि Nazy के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से we saw an impact in his rapping career aur yahan pe ek sabse achhi cheez hame Nazy ke side se ye dekhne ko mili hai ki Nazy time to time scene se gayab hote rehte hain par wo fir se comeback karte hain aur apne gaane release karte hain so agar wo chahe he can quit rap but he is not doing it so as a fan as a hip hop listener hum log apne side se Nazy ko encourage kar sakte hain unhe aur bhi zyada motivate kar sakte hain kyunki hame pata hai Nazy is talented ye wahi banda hai jo aaj se 8-9 saal pehle iPad pe record करके गाने रिलीज किया करता था एंड ही हैज पोटेंशियल ऑफ ड्रॉपिंग गुड ट्रैक्स ओके लेट्स नाउ कम टू Nazy's रीसेंट ईपी सो इस ईपी में हमें Nazy के साइड से चार ट्रैक देखने को मिला है एंड मोस्टली इस ईपी में Nazy जो है वो सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं सो ईपी का जो पहला गाना है उसका नाम है हिफ्ज़ो अमन जो प्रोड्यूस किया है भर्ग ने जी को बचाओ तालीम दिलाओ परवरदिगार जंजीर हटाओ हिफ्ज़ो अमन काबे में ले लो काबिल बनाओ इस ट्रैक में Nazy गर्ल्स एजुकेशन और उनकी फ्रीडम के बारे में बात कर रहे होते हैं मुझे इस ट्रैक का लिरिक्स बहुत सही लगा द ओनली प्रॉब्लम आई फाउंड वाज विद द फ्लो ऑफ द ट्रैक सो ओवरऑल इट वाज अ डीसेंट ट्रैक ओके लेट्स मूव टू द सेकंड ट्रैक इस गाने का नाम है शब्द एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हसबेस वतन को जान दे के वचन को मान दे के वजन पे ध्यान दे के शुरू करूं मेरा भाई ये मेरा भाई वो मेरा भाई सब अगेन इस ट्रैक में Nazy सोशल इश्यूज हेट रेट पे बात कर रहे होते हैं द लिरिक्स ऑफ द ट्रैक वाज गुड फ्लो मुझे अगेन थोड़ा सा वीक लगा ओवरऑल गुड ट्रैक
Okay, let's move to the third track. इस गाने का नाम है District, which is again produced by Bar. Respect के लिए भी शब्बसन, contract बने मेरा अफवा बन, District बोले मेरा सत्तर जन, instinct अभी तक. मुझे इस track का hook बहुत सही लगा, flow was also good. किसी किसी part में हमें पुरानी नेजी वाला flow भी देखने को मिला. Lyrics was also good and overall this was a good track as well. Okay, let's now check the last track of the EP. और इस track का नाम है Maafi, जो कि produce किया है Karan Kanchan and Rakhis ने. मैं तोड़ा नियमों को या अल्लाह, मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए. इस गाने में नेजी भगवान या फिर अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहे होते हैं. The hook of this track for me was the best hook in this EP. The lyrics of this track was really good. नेजी इस track में ये प्रूव कर रहे थे, भले ही वो बहुत टाइम से सीन से दूर थे, but still he can write some crazy lyrics. For sure, this was my favorite track from this EP. Okay, so let's now discuss the overall review of this EP. So, जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि पुराने नेजी और अब की नेजी में डिफरेंस आ चुका है, वो हमें इस EP में देखने को मिला. नेजी's flow in this EP was not up to the mark, but the lyrics और जो टॉपिक नेजी ने चुना है, that was really good and impressive. इस EP के बीट्स जो थे वो अच्छे थे, कुछ ट्रैक के हुक मुझे अच्छे लगे और कुछ ट्रैक में कहीं कहीं पे हमें कुछ अच्छे फ्लो भी सुनने को मिले नेजी के साइड से. सो ओवरऑल दिस वॉज अ डिसेंट EP, बट नॉट द बेस्ट वर्क बाई नेजी. सो नेजी ने अपने रीसेंट इंस्टाग्राम लाइव पे ये बताया था कि वो इसके बाद ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ड्रॉप करने वाले हैं. सो मैं चाहूंगा कि नेजी एक प्रॉपर स्टूडियो एल्बम पे काम करे, वो एक अपना स्टूडियो एल्बम ड्रॉप करे जिसमें हमें मल्टीपल आर्टिस्ट का कोलैब देखने को मिले. नेजी नीड्स टू वर्क मोर विद द फ्लो. इस ईपी में भी कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था ही वॉज गोइंग ऑफ बीट. सो नेजी इज अ लेजेंड, ही नोज बेटर देन मी, और उन्हें अच्छे से पता है कि वो कैसे अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हमें एक क्वालिटी प्रोजेक्ट दे सकते हैं. सो आई होप जो अगला प्रोजेक्ट हमें नेजी के साइड से देखने को मिले, वी सी दैट ओल्ड एग्रेसिव क्रेजी नेजी इन दैट प्रोजेक्ट. ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. और हाँ, मेरे सेकंड चैनल पे रेडिट मीम रिव्यू अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने बहुत सारे रैपर्स की मीम पे रिएक्ट किया है. बहुत ही क्रेजी वीडियो है, तो वो तुम चेक कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और हाँ, हमें सेकंड चैनल पे 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, बहुत क्लोज है, लाइक आई थिंक 100-200 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं. तो जाके सब्सक्राइब करो, जैसे ही 5K सब्सक्राइबर्स होते हैं मैं अगला वीडियो डाल दूंगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में. अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स अगेन. कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता. साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे.